एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द पूरा व्लॉग्स। और आज व्लॉग की ओपनिंग में देखे कौन है, मेरी दोनों माएं हैं। तो आप देख ही रहे होंगे, सबके मम्मी के हाथ में बैग है, फिर ये रहा एक और बैग, बाकी और भी बैग्स बाहर हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो सब कुछ आपका अगर ब्लॉग देखना पड़ेगा उसके लिए। और आप लोग ब्लॉग देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो अब हम आपको धीरे धीरे ब्लॉग में बताते रहेंगे हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं, वो सब कुछ आपको आगे ब्लॉग में दिखाई देगा। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं। अच्छा गाइस, हमारे साथ देखो बहुत स्पेशल गेस्ट जा रहे हैं, ये रहे सभी काना हमारे साथ जा रहे हैं अंदर। हाँ दिख गए, ये रहे छोटे वाले, एक ये रहे, बाकी सब ये रहे। हेलो, हाय कृष्णा, हाय। तो गाइस मैं आपको ये बता दूं कि कल हम बुआ के यहाँ पर गए थे होली के लिए, जैसे कि आपने व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। तो वहाँ पर सडनली हमारा प्लान बना कि हम गंगा जी नहाने जाएंगे, और उधर ही हमारे नानी का घर है, दादी का घर है, तो वहाँ पर सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। और सडनली सबका ही प्लान बन गया, तो ये बड़ा अच्छा लगा और बहुत रैंडम प्लान था। तो वील इन्जॉय अ लॉट क्योंकि फैमिली है साथ में, तो फैमिली मीन्स एवरीथिंग टू मी। सो रेहान ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, आप एक बार भी नहीं दिखे हो, तो एक बार सबको हेलो बोल दो। नहीं तो दिखूंगा कैसे, हेलो बोल दो सबको। हेलो, हेलो फ्रॉम फ्रॉम द पूरा ब्लॉग। अच्छा ठीक है, तो आज आप एक्साइटेड हैं जाने के लिए? हां पूरे। आप काले काले क्यों लग रहे हो इतने? हो गए हैं कर करके, इतने मजदूरी कर करके है अम्मा। आप गोरे गोरे हो गए, वो थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया ना, स्मार्ट स्मार्ट ही है इसीलिए। काना तो सबसे प्यारे है, बोल दो काना, राधे राधे। चलो गाइस अब हम निकलते हैं, फिर आपको दिखाते रहेंगे धीरे धीरे। चाय का ब्रेक लग चुका है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इंडियंस कह गए हैं और चाय का ब्रेक ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। तो ये रही हमारी एक गाड़ी, फिर ये रही दूसरी, इसमें लोग आए हैं, वो रही तीसरी, सब लोग धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं चाय पीने के लिए। ये रहे भाभी, भाभी हाय बोल दो। तो ये आ चुके हैं चाय के शॉट्स, एक शॉट उठा लिया गया है। और ये रहे तीनों, एक दो तीन चार पांच, पांचों का ना। मैं रेट बढ़ा दे बोल रहा हूँ, रेट बढ़ा दे। अच्छा बेटा, एक करोड़, एक करोड़, एक करोड़। कचौड़ी विद चाय इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन वन कैन हैव। ये वाली नमकीन है, छोटी सी डॉग आई हमारे पास, फिर हमने इसको अभी रोटी अपना थोड़ा सा खाना खिलाया, फिर हमने रोटी बनवाई है इसके लिए। रुक जाओ, तेरे लिए बनवाया है अभी। तो गाइस दूसरा राउंड फिर से आ रहा है चाय का, नहीं तो आप क्या बोलना चाहेंगे सेकंड राउंड ऑफ चाय के लिए? इतना प्यार कैसे आपके, आपको चाय से क्या बताओ, हंस दो, इनके पास वर्ड भी है चाय को डिस्क्राइब करने के लिए। माय गॉड, ये आ चुका है दूसरा राउंड, चाय आ गई, चाय आ गई, चाय आ गई, क्या आ गई है, रोटियां प्यारी सी बच्ची के लिए। खा लो खा लो खा लो, डरो मत, पीछे मत। भूखी है यार मम्मी, भूखी है वो, बड़ी सॉफ्ट है। तो गाइस हो चुका है चाय का ब्रेक, टी ब्रेक बहुत अच्छा हुआ, दो दो हमने शॉट्स मार लिए। लोग टेकीला के मारते हैं, वोडका के मारते हैं, हम चाय के मारते हैं शॉट्स। और बस अब निकल रहे हैं वापसी, वापसी नहीं सॉरी आगे निकल रहे हैं, और अभी है आगे 2 घंटे का रास्ता और है। पापा हाय बोल दो सबको, हाय।
आज पापा एनर्जेटिक हैं, होली वाले व्लॉग में पापा थोड़ा सा लो थे, और बाकी दिखाते रहेंगे आपको जल्दी जल्दी है। मोस्ट स्टाइलिश क्या पहना है महक आपने, कुछ डिस्क्राइब करेंगी? बेल बॉटम जीन्स पहनी है और टॉप पहना है, टॉप पहना है। मुझे इनका ना ये आउटडोर सिटिंग एरिया बहुत प्यारा सा लगा, बहुत कोजी और बहुत ही मतलब मुझे, मैं बहुत कनेक्ट हो रही हूँ इससे, तो आई एम जस्ट लविंग इट। एक साइड तो इनकी नॉर्मल सीटिंग है, बट एक साइड इनका थोड़ा सा ये बैम्बू वाला जो है बहुत अच्छा लग रहा है। चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, तो अब हम डिनर करेंगे, सब लोग जाएंगे रूम में, थोड़ी बहुत मस्ती मारेंगे, बातें करेंगे और फिर सो जाएंगे। फिर सुबह आपको दिखाएंगे हम कहाँ जाने वाले हैं और बहुत मजे भी आने वाले हैं, तो बने रहे व्लॉग में। तो ये सभी खाना यहाँ पर सेटल हो गए हैं, इनके फ्राइड राइस आ चुके हैं भूख के लिए, और ये सब अब आराम से रेस्ट करके खाएंगे बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर निकल के आ चुके हैं फ्राइड राइस, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्या हो रहा है? खत्म नहीं हुआ बेटा, ये रहा पूरा टिफिन भरा हुआ है। तो ऐसे तीन खत्म हो चुके हैं। तू क्या बताना चाह रहा है लोगों के, हम बहुत खदोड़ हैं। तो गाइस हम सभी जा रहे हैं अब डिनर करने, खाना बन चुका है, उन्होंने आके बोला कि आप लोग आ जाओ, तो हम सब जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको वहां पर जाकर, डिनर करने चलो हमारे साथ। चलो जी नीचे देखिए ध्यान से, बाहर पूरा सुनसान हो चुका है जी यहाँ पे। यार यहाँ पे तो मतलब बहुत जल्दी ही सब लोग ना, गाड़ियाँ हमने भारी लगा दी है नीचे, पार्किंग में नहीं डाली पार्किंग हमारी ये रही। ये टॉल कवर खुद बोले मत घूम बस। कैसा है? तो ये रहा आज का डिनर, हाँ देसी स्टाइल या। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, हिंदी बोलने को। अभी हवा कब खाएंगे आप? अभी हमें सारे तरह हवा परोसी रही है, सबसे प्रीशियस चीज है हवा, बस ज्ञान ऑफ द डे गाइस। तो ये आ चुका है आज हमारा बिल्कुल सिंपल सादा खाना, दाल जीरा आलू रोटी प्याज। तो गाइस हम सभी का डिनर हो चुका है, बिल्कुल सिंपल सादा खाना खाया और बहुत ही अच्छा लगा। तो हम जा रहे हैं गाड़ी से सारा सामान निकाल ले और उसके बाद सोने जाएंगे, उसके बाद या सीपी घूमने जाएंगे। सीपी जाने के लिए तुम्हें 200 किलोमीटर चलना पड़ेगा बस। हाँ 200 ही होगा ऑलमोस्ट, मैंने आज थोड़ी बोला है परसों जाएंगे। चलो फिर रेस्ट करेंगे, फिर हम अब आपको मिलते हैं सुबह। तो गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी और नया दिन हो चुका है स्टार्ट, तो अब हम जा रहे हैं कहाँ वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा, उसके लिए व्लॉग देखना पड़ेगा आपको। तो हम कहाँ आए हैं रिहान? हम आए हैं गंगा स्नान करने नरोरा में। हाँ और आज काफी भीड़ है यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पे खाली खाली रहता है, उल्टू फ्लैश भीड़। तो ये गंगा जी के घाट पर छोटे छोटे स्टॉल्स लोगों ने लगा रखे हैं, लोग आते हैं, इनकी सेल्स होती हैं, खाना वाना खाते हैं इनके पास। तो मम्मी कहाँ आई हो? कहाँ आई? गंगा स्नान करने। तुमने जयकारा तो लगाया नहीं फिर? ना भैया, इतना ढीला जयकारा, भूल गंगा। देखो गाइस जय। तो आज बहुत भीड़ हो रही है, क्यों हो रही है इतनी भीड़? आज संडे है ना, संडे की वजह से हो रही है बस। नहीं मेरे को लग रहा था होली है ना, होली के बाद वाला स्नान संडे
चलो गाइस आगे की मस्ती दिखाती रहूंगी मैं आपको। ये हमारी मॉडल आ रही है मॉडल बोलती है इसका एक्सप्रेशन एकदम मॉडल एक बार दिखा तो दो अपनी लुक तो दिखा दो पहले पूरी कितनी क्या है क्या पहने है। नीचे पहने है बेल बॉटम, ऊपर पहने है फ्रिल टॉप और स्माइल भी करके दिखा दो जरा। गाइस ये बहुत ज्यादा शर्माती है तो हम इसकी ना थोड़ी सी शर्म निकाल रहे हैं खाना को नहलाने की खाना को नहलाने की तैयारी हो चुकी है। कपड़े उतार रहे हैं उनके छोटी गर्दन खुश लग रहा है आज छोटे छोटे गाना ये रही दोनों भी नंगू नंगू हो गए लगाएंगे अब भैया रन टुमकी लगो नाक बंद करके नाक बंद करके नालिया गाना नालिया गाना आपको कैसा लग रहा है गंगा स्नान करके स्माइल कर रहे ये तीसरे गाना भी आ गए थे सबसे छोटू गाना अच्छा लगा ऐसे गंगा मैया से क्या बोलते हैं प्रार्थना करते कि ऐसे ही हमारे परिवार में खुशहाली बनी रहे और, हमें और ऐसे बार बार आने का अवसर मिले गंगा स्नान करने का हाँ। और जो गलती हो मैया माफ कर देना बच्चे समझ के माफ कर देना इंसान तो हैं तो गलतियां तो होती रहेंगी हमसे। जय गंगे मैया जय गंगे मैया। ये पीछे कुली कौन था सारी दुनिया का वो जो हम उठाते ओहो बेचारा सारी दुनिया। ओके तो आपको कैसा लगा गंगा स्नान करके आपने पहले करा हुआ है हाँ तो अब आपको कैसा लगा बहुत बढ़िया लगा भाई कर करके अब इतनी देर अब आ रहा आ रहा अब हम खाएंगे थोड़ा सा अब थोड़ी पेट पूजा होगी अब हम आ चुके हैं पुचकास के पास रेहान का फेवरेट टेस्ट करते हैं तो पानी बढ़िया लग रहा है पानी बढ़िया लग रहा है ठंडा नहीं है चलो जी अब हम थोड़ी सी पेट पूजा कर लें फिर आपको दिखाते हैं आगे का प्लान क्या है उसके लिए आपको ब्लॉग देखना पड़ेगा दिखाओ नीचे दिखाओ ये आ चुकी है चाट चलिए दे दीजिए सबको कितने रुपए की है एक क्या हुआ फोटो खींच दे मुझे लगा मेरे व्लॉग में कुछ कंट्रीब्यूट करने आए हो तो गाइस एकदम कड़क वाली चाय मिल गई है जैसे हम घर पे पीते हैं कुल्लड़ वाली चाय है और एकदम कड़क चाय है अदरक वाली तो मजा आ गया दूसरी वाली चाय पी रहे हैं हम टू मोर शॉट्स लोग पेप्सी रिफिल कराते हैं चाय रिफिल हम चाय रिफिल करवा रहे हैं कितने रुपए सवारी 101 रुपए सारा 101 ही है क्या आपका चाट भी सवारी भी एक लगा ले गाड़ी साफ करवा के आए थे सारी पुत गई फिर से पापा का घर और बुआ का घर जहाँ पर था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और आप देखो पूरा बिल्कुल ठेठ गांव है छोटी छोटी गलियाँ तो यहाँ पर रास्ते बहुत छोटे छोटे हैं इस वजह से बड़ी कोई नहीं काम भी चल रहा है बड़ी दिक्कत लग रही है गाड़ी निकलने की अच्छा वो तो आ जाएगी ये लंबी नहीं हो ये आ चुका है हमारा घर अब मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी अच्छी तरह से वो रे रिंकू भैया
अब बस ये लोग पार्क करेंगे, हम चलेंगे यहाँ पर। पार्क में क्यों जाएंगे, हम घर पे आएंगे। पार्क करोगे। और ये हमारे गांव का बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है और बड़े अच्छे तरीके से इसका सब कुछ रिकंस्ट्रक्शन करवाया था क्योंकि मेंटेनेंस नहीं थी इसकी। बाकी मैं आपको बताती रहूंगी। तो ये रहा हमारा गांव का घर जहाँ पे पापा बुआ जी सब लोग रहे हैं। मम्मी भी आई है शादी के बाद। अभी तो काफ़ी बन गया है, पहले तो कुछ भी नहीं बना हुआ था। नमस्ते ताई जी। ये देखिए गांव में घर में अभी भी टॉयलेट्स नहीं होते हैं, बाथरूम तो है और यहाँ पर बर्तन धुले जाते हैं। यहाँ पर एक रूम है, फिर ये पूरा बरामदा है, सब लोग बैठते हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी एक रूम है, इसके बाद ये किचन है और एक ये वाला रूम है। बाकी ऊपर छत है, घर बहुत बड़ा है। तो यहाँ आ चुका है हमारा चाय, नाश्ता, जलेबियाँ। तो अब हम निकल रहे हैं गांव में, सभी से मिल लिए। बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ, मैं तो काफ़ी टाइम बाद आई हूँ और सभी से मिल लिए हैं। बहुत अच्छा लगा और खाना भी खा लिया, पेट पूजा भी हो गई। अब जा रहे हैं नानी के यहाँ पर। ये है मेरी ताई जी, वो है मेरे ताऊ जी, मेरी भाभी। तो इनका नाम है अनीता। भाभी हाय बोल दो सबको, हाय बोल दो, हाय हाय। बस अब सभी जा रहे हैं। यहाँ पर सभी ने अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर बना रखे हैं। बाहर थोड़ा सा ओपन एरिया होता है बैठने करने के लिए। यहाँ पर इन्होंने बकरियाँ पाली हुई हैं और उधर आगे खेत ही खेत हैं, सब जगह उधर इधर से उधर जाएंगे सारे खेत खेत हैं। तो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे हम तो पूरा टूर दिखाएंगे आपको, उसके बाद फिर दिखाएंगे सारा कुछ, यहाँ का खेत वगैरह सब कुछ। तो वो नेक्स्ट कभी ब्लॉग में कवर करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा सा दिखा रही हूँ बस। इधर सभी के चार पाई पार्क, हाँ ऊपर चार पाई पेड़ पे दिखी नहीं गई, ट्री हाउस में आ गया था। यहाँ पर सभी जगह अब ना वो खेत हैं, हमारे भी खेत हैं। नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो हम पक्का कवर करेंगे पूरा टूर। तो गाइस ये बहुत ही पुराना मंदिर था माता का और पापा पहले कभी आए थे घूमने के लिए कि देख कर आते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो बहुत ही बुरा हाल था यहाँ का पहले, खेतों के बीचों बीच। क्या हो गया दी, आपने बहुत फैंटास्टिक जर्नी मिस कर दी। क्या खेतों में सो के आने की ना यार ये रस्ता। तो जब पापा यहाँ पर आए तो देखा मंदिर की हालत बहुत ख़राब थी, मंदिर भी ढंग से नहीं बना हुआ था, मूर्ति भी पूरी खंडित हो रखी थी माता की। और पापा बहुत धार्मिक इंसान है तो पापा से ये बिल्कुल देखा नहीं गया कि इतना पुराना मंदिर, इतनी मान्यता है इस मंदिर की, लेकिन इसकी कोई भी देख रेख नहीं है। तो पापा और सभी गाँव वालों ने मिलकर फिर ये सब कुछ बनवाया, पूरा मंदिर बनवाया, नई मूर्ति आई और वही बुआ जी वगैरह अपनी तरफ से ड्रेस बना कर लाए थे माता की, तो वो लोग वही ही पहना रहे हैं। इसमें आप देख रहे हो गए अंदर। सही आ गई एक फुट की है ना। तो गाइस कुछ सीखा या नहीं सीखा मैंने पापा से, लेकिन ये ज़रूर सीखा है कि जो भी हमारी पुरानी से पुरानी चीज़ें हैं हमें उनको बहुत ज़्यादा समेट कर बहुत ज़्यादा ध्यान से उनका मेंटेनेंस रखना चाहिए और कभी भी अपने रूट्स से अलग नहीं होना चाहिए, अपने रूट्स से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पापा को देखा है हमेशा पापा की यही सोच रही है कि गाँव में मैं जो भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो मैं करूँ और जैसे भी कर सकता हूँ। स्पेशली वो मंदिरों में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कि जब भी उनको दिखता है किसी मंदिर की हालत खराब है और वो उस चीज को करने लायक होते हैं तो वो जरूर करते हैं। देख लियो कोई गलती से मजाक उड़ जाए फिर लोग कमेंट करें ये क्या है, तू पक्का कर लिया ना। ठीक है ये जो है ये भांग है, अभी वही लग दे ये जो है भांग तो पूरा फील का पता है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर ना यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, थोड़ा बहुत हो गया।
पता नहीं अल्लाह सही बात है। यहाँ पे माता के लिए फूल तोड़े जा रहे हैं। मैं तोड़ लूँगा। अरे ये क्या सुखा रखा है यहाँ पे? यहाँ आलू है। सब्जी बनाने को? ये रेस्ट करने के लिए उधर छपरी क्या छपरी छपरी क्या दिल्ली रहने वाले छपरी छपरी करते रहे। व्हाइट रोज है टीमो, पिंक रोज है, पिंक टाइप का। देखो गाइस देखो, ये भी देखो, ये देखो, हम तोड़ के बहुत सुंदर लग रहा है यार। तो बिगड़ गया, बहुत सुंदर लग रहा है। कौन पकड़ेगा भाई? 1000 फूड खिलेंगे 100। तो गाइस अब हम मंदिर से वापस जा रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आगे आप देखते रहे। तो आधे लोग खेत के रास्ते से जाएंगे, आधे लोग कार से जाएंगे। इधर है गंगागढ़ मैया। तो सब लोगों ने, हमने तो दर्शन कर लिए, बाकी सब दर्शन कर रहे हैं। ओहो, और उनको उनकी ड्रेस बनवा कर लाए थे, तो वो सब वो पहना रहे हैं। तब तक हम नानी के लिए निकल, नानी के घर के लिए निकल रहे हैं। और ये देखें ज़रा, सही है। गाइस नानी के घर पे जाते हुए ये दो नहरें जरूर आती थी बचपन में भी, मतलब बचपन में भी आती थी, तो हमें बड़ा मजा आता था पुल के ऊपर से जाने के लिए। और यहाँ पर ना कुछ काम चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है, कुछ मतलब चल तो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है वो नहीं पता। बाकी ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब भी हम यहाँ से बचपन में गुजरते थे तो हमें बड़ा मजा आता था कि हम पुल के ऊपर से जा रहे हैं। और अभी इसमें पानी आपको बहुत कम दिखाई दे रहा है, पर पहले पानी बहुत ज्यादा हुआ करता था यहाँ पर, लोगों ने बल्कि सुसाइड भी बहुत करा है इधर। और यहाँ से रामघाट स्टार्ट होता है। और अभी आगे मैं दिखाऊंगी आपको नानी का घर। देखा जाए तो ना इतना मतलब चौड़ा नहीं है, की बारी में ठंड करने आऊंगे यहाँ पे। यहाँ पे तुम आओ या तुम आओ, खड़े छोटे छोटे वेंडर्स हैं, सब लोग लड्डू जलेबी ये सब बना कर रखते हैं, समोसे। और यहाँ पर बंदर बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। और वो दिख रहा है नानी का घर, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। ये आ चुका है हमारी नानी का घर, तब हम चल रहे हैं अंदर। ये नानी की भैंसिया है, ये हमारे नाना और नानी की शॉप है सुनार की। अभी यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा, सब सामान भी खाली हो रखा है। बहुत सालों तक नाना ने यहाँ पे दुकान चलाई है, अब चलते हैं अंदर। अंदर जा रहे हैं हम, सामने से अनुज आता हुआ दिख रहा है, शक्ल किसी की नहीं दिखाई दे रही। नमस्ते, इधर कौन है? इधर रही भावना, रेस्ट मोड ऑन है। बाकी सबसे मिला, पहले मैं तेरे से मिल लूं। हेलो, चलो अब ये रानुज अब शक्ल दिख जाएगी। हेलो, अब हम चल रहे हैं अंदर। ये रहे मामा, नमस्ते मामा। नमस्ते रानी, नमस्ते नानी। नानी हाय बोल दो सबको, बोल हाय। नमस्ते नानी, कहाँ है ये सुकड़ी? ये भाई सब आ नहीं रही है बाहर, इतनी बिजी हो रखी है तू। तो गाइज ये हमारे घर की फैशनिस्टा है, हर एक ट्रेंड ये चलाती है। अभी तो इसके बाल बहुत अच्छे हो रखे हैं, अदरवाइज रेड, कभी ब्लू। दिखा ना शक्ल। क्या कर रही थी? ये किसी का काम है? हिसाब? अच्छा, तो ये जो है, जो मैंने आपको बाहर दुकान दिखाई थी उसके पीछे का एरिया है। और आ जा, ये यहाँ पर रूम है। और मैं आपको मामी को भी दिखाती हूँ,
मामी एक मिनट कैमरे में तो आओ, कैमरे में आओ, आप नहीं आई हो। हाय बोल दो सबको, हाय बोल दो, हाय। ये हमारी मामी है, इकलौती मामी है हमारी। तुमने कहा कि तुम्हें तो बस नहीं आओ तो लड़ना और क्या होता है, बैठ जाओ। सही बात है मां। तो गाइज़ ये यूपी के फेमस बरूले हैं, ये छोटे छोटे आलू फ्राई करके इनके ऊपर बहुत खट्टी सी चटनी डाली जाती है एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। तो आप कभी यूपी विज़िट करें तो ये ज़रूर खाएं। तो गाइज़ हम सब निकल रहे हैं, सभी लोग खड़े हैं यहाँ पर, लाइट नहीं आ रही, कोई टॉर्च चला दो। टॉर्च चलाओ भाई। तो यहाँ पर भावना खड़ी है, ये रही शीतल, हाँ, और कहाँ है आए, और ये रही संध्या, अनुज हमारे साथ ही जा रहा है। अनुज कहाँ दिख नहीं रहा, अनुज ये रहा। तो अब हम निकल रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छा रहा ट्रिप, और फिर जल्दी आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।